सो हेलो एंड वेलकम है एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रूल ऑफ बॉड मास। सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉड मास रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा भी आप कैलकुलेशन करिएगा तो उसमें जो बॉड मास रूल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से बेसिक से कवर अप करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बॉड मास क्या होता है और किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बॉड मास लिख लेंगे, BODMAS। देख लिया आप लोगों ने, BODMAS बॉड मास। तो बी का मतलब आता है बॉड मास में ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन जो है जो इस तरीके से ब्रैकेट हो या कर्ली ब्रैकेट हो, इस तरीके से अगर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आता है ऑफ यानी कि का। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग देना। ठीक है, उसके बाद आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, बी मतलब कोष्ठक ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। अब आता है ए, ए का मतलब होता है एडिशन करना यानी कि जोड़ करना यानी कि प्लस करना। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना माइनस करना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है बॉड मास। बॉड मास में होता है BODMAS, पहला आ गया बॉड, बॉड में आ गया ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बॉड मास क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि बॉड मास के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कई बार स्कूल के एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है और टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। कभी आंसर 5 लिखाता है, कभी 15, कभी 25, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 12 + 2 - 3 × (6)/2 = what, है ना। क्वेश्चन हम पहले बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा गलती मत किया करो, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे, 12 + 2 - 3 × (6)/2 आगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, 12 + 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा, 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा।